कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं उसमें से आपको बताना है जैसे इंट नंबर सिक्स इज इक्वल टू हमने दे रखे हैं एलिमेंट्स इंट एन तो देखिएगा इसमें आपको क्लियरली है कि एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं पहली बात तो तो ये सारे कर्ली ब्रेसेस और ये पैरेंट ये जो जितने भी ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ये आपके नहीं चलेंगे तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिटवाइट ऑपरेटर्स कैन ऑपरेट अपॉन जो ऑपरेटर्स होते हैं किस पे ऑपरेट होते हैं डबल कैरेक्टर्स पे फ्लोट और डबल पे इंटीजर और फ्लोट पे या इंटीजर कैरेक्टर्स में तो इंटीजर और कैरेक्टर्स पे फ्लोटिंग पॉइंट्स पे नहीं होते बिटवाइज ऑपरेटर काम तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वट इज दर्पट पर फंक्शन जो गेट सी फंक्शन है वो क्या काम करता है तो so, ये क्या करता है रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रीड क्या करता है कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। ऑफ़ द फॉलोइंग स्टोरेज क्लासेस हैव ग्लोबल विजिबिलिटी इन सी किसमें कौन से आपने चार तरीके की स्टोरेज क्लास पढ़ी होंगी ऑटो स्टैटिक एक्सटर्न और रजिस्टर तो किसमें ग्लोबल विजिबिलिटी होती है तो आंसर इज द एक्सटर्न एक्सटर्न इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस तो याद रखेंगे ग्लोबल विजिबिलिटी एक्सटर्न की होती है माई एरे फाइव इज इक्वलेंट ऑफ ये किसके इक्वलेंट है देखिएगा मैंने बहुत सारे ऑप्शन है एड्रेस माई एर ए प्लस माई एर एर ए प्लस फाइव एंड नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पॉइंटर माई एरे प्लस फाइव इज इक्वलेंट टू माई एर ए फाइव नेक्स्ट इज द सिक्स वट इज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मेंट बाई

डी तो किसी में भी नहीं आ सकती कोई भी आना नहीं है बिल्कुल सही आंसर है वट इज द डिफॉल्टोरेज क्लास ऑफ वेरेबल इन सी लैंग्वेज कौन सी डिफॉल्ट होती है ऑटो लोकल ग्लोबल या एक्सटर्न तो डिफॉल्ट होता है ऑटो ऑटोमैटिक स्टोरेज क्लास से द मेमोरी एलोकेशन फंक्शन मॉडिफाई द प्रीवियस एलोकेटेड स्पेस तो कौन सा करता था मैलॉक करता था या कैलॉक या फ्री या रीअलॉक तो आंसर है रियलॉक मेलॉक और कैलॉक का यूज करने के बाद हम रियलॉक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं रिजर्व फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन ए रिजर्व जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन जो हमारा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होता है एल आई एफ ओ जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर एंड एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरेबल दैट आर

बिल्कुल हमारा क्या होता है एरे क्या होती है एरे की डेफिनेशन आपने देखी है एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप लिखा होता है और यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है एन डी uh, इसने क्वेश्चन पूछ रखा है एनआईर कलेक्शन ऑफ वेरेबल्स दैट आर ऑफ डी सिमिलर डेटा टाइप डी सिमिलर डेटा टाइप इंटीजर करेक्टर फ्लोट नहीं ले सकते तो एन एरे इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ वेरेबल्स दैट आर ऑफ द डी सिमिलर डेटा टाइप ये आएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वट आर टाइप्स ऑफ सी प्रोपेसर प्री प्रोसेसर प्रीप्रोसे डायरेक्टिव सी प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने पढ़ लखी होंगे तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैक्रोज कंडीशनल कंपाइलेशन फाइल इन तो आपने देखा होगा तीनों ही आपने यूज करें होंगे तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर मैक्रोज भी होते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन भी होता है फाइल इंक्लूजन भी होता है डायरेक्टिव इन सी लैंग्वेज स्टार्ट किससे स्टार्ट होती है directive. तो आपको पता है कौन सा सिंबल होता है वर्क करते हैं डॉट सी एक्सटेंशन पे डॉट ई सी डॉट एच या डॉट सी पी तो आपको पता है डॉट सी एक्सटेंशन वट इज डॉट सी फाइल डॉट सी फाइल का एनेदन नेम क्या होता है तो इसे हम कहते हैं सोर्स फाइल या सोर्स कोड बी इज द करेक्ट आंसर वट इज द कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए सी मैक्रो सी मैक्रो के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करा जाता है तो डिफाइन इज द कीवर्ड सी इज द करेक्ट आंसर वट इज दी की वर्ड यूज टू क्रिएट ग्लोबल कॉन्सटेंट जब हम ग्लोबल कॉन्स्टेंट बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं डिफाइन है डिफाइन define, what is the output file generated after processing dot c file kis mein banti hai to dot exc file hoti ho what is the output of the c program with macros macros ka example hai has define एक has डिफाइन ई आर आर एम एस जी है जिसके अंदर हमने क्या देख रखा है प्रिंट एफ सम एरर हमने दे रखा है प्रिंट एफ एक मैक्रो डिफाइन है जिसका ई e है उसमें प्रिंट एफ इंटमेन अब प्रिंट करने हैं डबल कोट के अंदर जार जार प्रिंट करने के बाद एक मैसेज आया करेगा वो प्रिंट प्रिंट एफ को तो ई आर आर जार के बाद प्रिंट करेगा तो आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर जार डॉट सम हाउ डू यू सेपरेट ए मल्टीलाइन मैक्रो इन ए सी लैंग्वेज कैसे साइब्रेट करते हैं तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इस ऑपरेटर से देखिएगा जो डिवाइड ऑपरेटर आपने लगाया ए डिवाइड बाय बी नहीं ए डिवाइड बाय बी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा हमने क्या कर रखा है रिफाइंड लूप ए फॉर आई इज इक्वल टू वन से लेके ए तक चला रखा है आई प्लस प्लस यानी एक डेफिनेशन दे रखी है मैक्रो uh, डिफाइन कर रखा फंक्शन में लूप ए फॉर आई से ए तक और की वैल्यू क्या है लूप तो के अंदर हमने फाइव वैल्यू प्रोवाइड करी तो ए की वैल्यू कितनी हो गई फाइव हो गई फाइव वन से लेके ए तक चलेगा और हर बार क्या प्रिंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव आंसर इज कंपाइलेशन एरर आंसर इसमें क्या हो जाएगा कंपाइलेशन एरर हो जाएगा कंपाइलेशन एरर हो रहा है क्योंकि ये 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 डैश लगा लगा हुआ है है कंपाइल नहीं कर पाएगा ये जो लगा रखा दिक्कत करेगा सही है ना हाउ डू यू सेपरेट ए मल्टीलाइन मैक्रो इन सी लैंग्वेज तो मल्टीलाइन के लिए ये देखिए सिंबल आपने देख लिया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम ए हमने एक मैक्रो uh, डिफाइन करा है और हैज डिफाइंड टैंक ए और ए की वैल्यू है क्या कर, काम क्या ए की मल्टीप्लाई टेन में करेंगे उसके साथ दो जुड़ जाएगा तो ए की वैल्यू कहाँ से आएगी इंटीजर ए टैंक टू अभी टैंक ए की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड कर दी टू तो टू मल्टीप्लाई टू ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी कितना हो गया फोर्टी ट्वेंटी टू तो आंसर क्या हो गया इसका ट्वेंटी ही आंसर आ रहा है इसका तो फिर से कैलकुलेट करते हैं टू गया टू मल्टीप्लाई टेन ट्वेंटी प्लस टू तो ट्वेंटी टू टु और ट्वेंटी टू टु के बाद ये वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी टू टु। मल्टीप्लाई टू कर रहा है ट्वेंटी टू टु मल्टीप्लाई है या ये प्लस है ऑपरेशन इसे चेक करना पड़ेगा रन करा के देखेंगे इसका आंसर अगर ऐसा होता है तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई टू फोर्टी फोर इज द करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसमें ऑप्शन हो सकता है चेक करेंगे इसका आंसर तो दॉब्लम ट्वेंटी और एनी फाइल टू एग्जिस्टिंग सी प्रोग्राम्स तो आंसर है कोई भी आपको बनानी हो तो हैश इंक्लूड टू एड एडर फाइल एनी फाइल टू एन एग्जिस्टिंग सी प्रोग्राम एट वॉट स्टेज ऑफ बिल्डिंग डेगमा प्रेगमा वर्क करता है ऑपरेटर यूज टू मेक वंस कॉम्प्लीमेंट किस ऑप्शन से होता है तो सी इज द करेक्ट आंसर वट इज द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन दो होते हैं तो एंड में क्या होता है आपको पता है एंड में क्या होता है जब बिट सेम होती है जब किसी में भी वन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा या एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कहता है कि जब दोनों में वन होगा तब आंसर वन आएगा तो जीरो जीरो का जीरो जीरो और वन जीरो रहेगा वन और वन वन हो जाएगा और जीरो वन का जीरो, तो जीरो वन जीरो जीरो बी इज द करेक्ट आंसर और ऑपरेशन में जब कोई भी वन है तो आंसर वन हो जाएगा

डिफरेंट बिट एक्स और जब हम करते हैं जीरो जीरो का तो जीरो हो जाएगा वन जीरो का वन वन जीरो का वन जीरो वन का वन तो आप इसकी टेबल देख लेना जैसे हमने एक्स और की टेबल करा रखी थी उससे आउटपुट आप निकाल लें वट इज द आउटपुट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट करना है देखिएगा लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट करना है दो बिट आपको और बढ़ा देनी है तो वन वन के आगे तीन तीन तो जीरो लगे हैं और दो जीरो और एड कर देना तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वट इज द रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट करना है तो ए के इधर इस साइड तो वन वन चार जीरो है तो दो जीरो हटा दो तो वन वन जीरो जीरो हो गया तो बी इज द करेक्ट आंसर हाँ ये तो हमने कर लिया था हाउ डू सेपरेट कौन सा डिवाइड ऑपरेटर थे चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट इंडिविजुअल बिट ऑन द लेफ्ट साइड बिल्कुल सही वेल शिफ्ट लेफ्ट साइड ओवरफ्लो बिट्स आर इग्नोर्ड जीरोज आर फिल्ड ऑन द राइट साइड तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही वट इज दिंगल ऑपरेट ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेट पे काम करते हैं वो कौन से ऑपरेटर होते हैं क्या होते हैं नगेशन ऑपरेटर डी इज द करेक्ट आंसर वट इज द बिट वाइज ऑपरेटर यूज टू सेट ए पर्टिकुलर बिट वैल्यू टू वन बिट वाइज व कौन सा ऑपरेटर होता है टू सेट ए पर्टिकुलर बिट वैल्यू टू वन तो आंसर है to set a three bit to zero from the right in the देखिएगा मैंने एग्जांपल भी दे रखा है आउटपुट आप इससे देख लेना तो इसका करेक्ट आंसर है वैसे और ऑपरेशन और ऑपरेशन से हम क्या कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिट वैल्यू को वन सेट कर सकते हैं व्हाट इज द बिट वाइज ऑपरेटर यूज्ड टू सेट ए पर्टिकुलर बिट वैल्यू टू जीरो तो कौन से से हम सेट करते हैं एंड ऑपरेशन से हम क्या जीरो सेट कर सकते हैं और से हम वन सेट कर सकते हैं मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं टू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप चेक करना है मल्टीप्लाई बाई टू जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये इसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन होती है बाई टू से और जब आप राइट right शिफ्ट करोगे तो आपका क्या होगा डिवीजन होगा से तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट शिफ्ट के लिए मल्टीप्लाई और राइट right शिफ्ट के लिए डिवीजन मैक्सिमम वैल्यू इन ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल होता है करेक्ट आंसर वट इज द नंबर सिस्टम इज नॉट अंडरस्टैंड बाई सी लैंग्वेज कंपाइलर डायरेक्टली तो होता है वो बाइंड्री थैंक यू सी लैंग्वेज पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे आउटपुट हमने देखे इसमें एक आधा आउटपुट में प्रॉब्लम भी आ रही थी उसे चेक कर लेंगे चला के रन करेंगे आपको क्लियरली नोन होगा थैंक यू एवरी फॉर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन